नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपना एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस ऑफिस कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हो और यहाँ पे आप कोई फाइल सेव कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, एक सेव एज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसकी क्या वजह है, ये कैसे ठीक होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है और मुझे अपने रिज्यूम को पीडीएफ में सेव करना है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। तो मैंने इसे सेव कर लिया है, मैंने इसको एमएस वर्ड में ही सेव करा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको टाइप करना है PDF एंड XPS एड इन। यहाँ पे आपको लिखना है अपने एमएस ऑफिस का जो ईयर है वो लिखना है। तो यहाँ पे मेरा एमएस ऑफिस 2007 का है, 2007 कर देता हूँ मैं इसको। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सेव PDF और XPS। तो यहाँ पे आपको दो तीन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब दो तीन वेबसाइट ओपन करके देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF और XPS, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको हल्का सा वेट करना है। तो मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनलोड होने लग जाएगा थोड़ी देर में ये। तो ये डाउनलोड होने लग गया है नीचे की तरफ। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने PC या लैपटॉप में, जिसमें भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए कह रहा है, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है और ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। इसके बाद आपको वही फाइल ओपन करनी है जो आप PDF में सेव करना चाहते हैं। आपको सेव ऑप्शन में जाना है, सेव एज में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ PDF। तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी किसी भी फाइल को PDF में सेव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।